पॉइंट पर से बिंदु पर बॉल को रखते हुए जस्ट श्रीकांत सोरेन जी और श्रीकांत और छैला यहां पर नजरें जमाते हुए निशाना साधते हुए कि कैसा शॉट लिया जाए, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं कि कैसा रणनीति, कैसा शॉट लिया जाए तो अपने टीम के लिए, अपने आप के लिए बेहतर हो सकता है। इसी अंदाज में छैला ठीक लेने के लिए तैयार, छोटा सा रन अप लेकर और ये छैला का स्पिन होता हुआ शॉट, और ये बहुत अच्छा शॉट था, क्या कुछ कर पाते या नहीं। और ये निश्चित रूप से छैला का ये सफलता, और कौन से खिलाड़ी गोल किया है कृपया अपना जर्सी नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऑन टारगेट गोल, थ्रो इन का पुनः मनोज किसको के लिए, छोटा सा पास, माइनस पास, जर्सी नंबर 6 पुनः एक बार हल्का सा पुश, अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मैन टू मैन यहां पर पास चल रहा है और बहुत ही अच्छा दारोदार शॉट, बहरहाल चौका ना गोलकीपर सोरेन सिपाही के सोनालाल टुडू और आसान सा गैदर करता हुआ, पुनः एक बार यहां पर हेड के माध्यम से सोरेन सिपाही लेफ्ट आउटसाइड एक बनाने के मूड में, लेकिन बचाए पक्ष जेई कॉलेज दुमका, जर्सी नंबर 5 बॉल को क्लियरेंस करता हुआ सीधे साइड लाइन से बाहर और निश्चित रूप से थ्रो इन का मौका सोरेन सिपाही, और पुनः चेस डाउन करता हुआ यहां पर सेंटर लाइन के आसपास से, पुनः एक बार करने के बीच यहां पर बचाए पक्ष 14 नंबर की जर्सी पर यहां देख पा रहा हूं सुनील हेमराम के रूप में, पुनः एक बार जर्सी नंबर 9 फिर जोर कोशिश, पुनः सोरेन सिपाही हल्का सा पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, पुनः छैला के लिए बॉल को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन बचा है जर्सी नंबर 7 मुकेश टुडू, पुनः एक बार फिर जोर कोशिश सोरेन सिपाही अपने लेफ्ट आउट के लिए बॉल को बढ़ाने का प्रयास, क्या कुछ कर पाते या नहीं, कैसा रणनीति तैयार करते हैं यहां से, बहरहाल बचाए पर चुस्त और दुरुस्त अपने एरिया से कुछ हद तक साइकोलॉजिकल प्रेशर को निरस्त करता हुआ, पुनः एक बार लगन चुभी शॉट अपने छैला को देने का प्रयास, अरविंद सोरेन सिपाही के खिलाड़ी पुजर कोशिश राइट आउट साइड एक बनाने के मूड में, देखना ये होगा क्या खुश आए हैं शैलेंद्र जी यहां पर दोनों ही टीम, लेकिन क्या करें स्ट्राइकर की कमी, बहरहाल सुन सुन की बराबरी पर टिका हुआ दोनों ही टीम का स्कोर, हल्का सा पास करना चाहते थे छैला अपने साथी खिलाड़ी के लिए, अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहां पर छैला, लेकिन असफल रहे हैं अब तक अपने टीम को स्कोर दिलाने के लिए, बहरहाल हेड के माध्यम से पुनः छैला के लिए बॉल, छैला एक अच्छा अनुभवी खिलाड़ी, अच्छा रणनीति तैयार कर रहे, स्पिन होता हुआ शॉट यहां पर अपने लेफ्ट आउट के लिए बॉल को बढ़ाना चाहे लेफ्ट आउट, क्या कुछ कर पाते हैं यानी दमदनाता हुआ शॉट लगाए हैं, लेकिन असफल प्रयास, पुनः एक बार 9 नंबर की जर्सी पर हल्का अपील, लेकिन सही सुनवाई निर्णायक महोदय सुनील तुरी का, बिल्कुल और राजेंद्रे गोल मीटे कारण बना अगर डिफेंस लाइन खाए चाहे सोरेन सिपाही तरफ से कोले खाए बबलू और चंद्रिका डिफेंसिंग जिसके चलते इंजीनियर कॉलेज दुमका रेन टीम अटैकिंग लाइन रेन प्लेडी को मौका बाकी नहीं मावा, जबकि इंजीनियर कॉलेज तरफ से खोम नेल खाए नुंडे चंदर और बिहारी डिफेंडिंग अडी खतरनाक नेल कर देना, जिसके चलते अटैकिंग लाइन रेन का खेलड़ी पड़ा बिना हुआ, चाहे छैला की बात हो चाहे सुशील रंजन की बात हो एकदम तय की मौका बाय मावा, जिसके चलते गोल बांग नेल नाम करना तालमेल में काफी बढ़िया किताब के हुई करना तीन दिन रेन नेल खाए सनाम रे गोल हुई करना बिल्कुल स्ट्राइकर जहां तक बात हुई कुना जिसे छैलाल कर खिलाड़ी आया कॉम्बिनेशन नहीं थरी बांग चलाओ करना उका तालमेल उका रणनीति करना मनखान नितो नेल ठीक हुआ यदि प्लान ए बाय कमी दा दोनों मौजूद का नक्ते रे प्लान भी जरूर से उपयोग ही हुआ और इसी बीच यहां पर बहुत अच्छा मौका छैला के लिए लेकिन क्या कुछ कर पाते हैं और भुड़कता हुआ सीधे गोलकीपर के दस्ताने में समाहित होता हुआ बॉल दोनों ही टीम का स्कोर अपने मंजिल से कोसों दूर और इसी बीच हेड के माध्यम से पुनः एक बार
वन बॉन्स साइलेंट के करीब, लेकिन बचाए हैं साइलेंट से जाने से। और पुनः एक बार यहाँ जर्सी नंबर 12 जेई कॉलेज डोम का ड्रिबल करने का प्रयास, लेकिन असफल यहाँ पर। और पुनः एक बार क्रॉसिंग शॉट जमा हुआ डी एरिया में, गोल को झोंकने का प्रयास। और पुनः एक बार छैला के लिए, छैला अपने साथ खिलाड़ी का मुआयना करते हुए समानांतर पास, अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं 8 और 7 के बीच में, लेकिन बॉल जा चुका है साइड लाइन से बाहर। निश्चित रूप से थ्रो इन का मौका मिलता हुआ जेई कॉलेज दुमका के लिए। बिल्कुल, जब जब छैला सोरेन और सुशील रंजन की बड़ा अनाक खलबली मचा गया रात राताओ कते इंग्लिश दुमका कॉलेज से रात राताओ कते चला गया, तो कहीं ना कहीं नुकिन टे हो अडी मरांग अनुभव बिना और तेज दरा खिलाड़ी के लेकिन जिसके चलते थोड़ा गन प्रभावशाली खेल के दूदा, लेकिन उनका रणनीति नीति भी फिर बना लगा बता बॉक्स कितना रे शॉट में लगा लेगी, लेकिन सोनीलाल गलती के द्वारा गोल हो जाना पूरी संभावना, लेकिन फर्स्ट गलती रे तो बांग सेकंड गलती रे बॉल एक बॉल क्लिक ले गया और आया टीम लगी का पूरा खतरा थकान होना पूरी तरीके से चपाक का सुनवा, लेकिन अडी मरांग ने खतरों का बाधक थकान आया टीम लगी स्टार्लिंग क्रिकेट आया टीम लगी अडी मरांग अनहोनी हुई दरे गानों ने, लेकिन आखिरी समय रे गेंद क्लिक किया गलत परफॉर्मेंस है लेना जेल कहते अडी मौज बचाओ नोड सोनेलाल डुडू आता है ना ई सलेंदर से। बिल्कुल सुशील रंजन से गेंद चलावना, सुशील रंजन रदर दाव पटेल हाथ छैला इमा को दिया छैला इंजीनियर कॉलेज दुमका चितान बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सोरेन सिपाही चेना क्षेत्र जैसे ही शॉट लगावा पेनल्टी बॉक्स चितान गेंद चला और क्षेत्र मुश्किल बिल्कुल अनुडियल ही है नितो उका रणनीति जमावा उका रणनीति तैयार और बहुत अच्छा शॉट, लेकिन दलदलाता हुआ बुलेट की रफ्तार से गोल पोस्ट के ऊपर से कोई था तो एक ऑप्शन बन सकता था, कुछ विकल्प यहां से निकल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जरूरत से ज्यादा यहां पर गति दिया और ऐसे में कोई फायदा नहीं, बहुत ही लाजवाब खेल गेम टच रेखा के करीब। यहाँ पर इंजीनियर कॉलेज दुमका की टीम तेज गति से बढ़ने का प्रयास आगे की ओर, यहाँ से मौका बनेगा गोलकीपर की दिशा में सोरेन का जबरदस्त शॉट, यहाँ पर शिव सोरेन शैलेंद्र जी खेल किया शिव सोरेन का शॉट एकदम बुलेट रफ्तार से डूबता था, बॉल जा चुका है गोल लाइन से बाहर, बराबर की पोजीशन पर इक्वल इक्वल दोनों ही टीम का स्कोर। बिल्कुल कल यही खिलाड़ी ने गोल लगा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं गोल करने से चुके और पावर हिट शॉट में तो गति था शॉट में तो पावर था लेकिन ऑफ टारगेट में जाती अभी और ऐसे में कोई फायदा नहीं। फील्ड से यहां पर सुशील रंजन अच्छी पास कनेक्शन, यहां पर एक खिलाड़ी को टैकल करने के बाद फिर से रिकवरी कर दिया सुशील रंजन के लिए, बॉक्स के अंदर में गेंद को लैंडिंग करते हुए लेकिन डिफेंस उतनी ही तगड़ा बचाव करते हुए मुकद्दर के लिए, मुकद्दर का यहाँ पर बैक पास अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए, फिर से यहाँ पर राइट आउट के खिलाड़ी को गेंद मिली है, तेज गति से ले जाने का प्रयास करेंगे, अब तक काफी ज्यादा देर तक गेंद को अपने ग्रिप में ही गेंद को रखा है, अच्छा पास लेकिन अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी वहां पर गेंद पोजीशन में कामयाबी मिली नहीं और हाफ डिफेंडिंग खिलाड़ी है सुरक्षित रूप से गेंद को निकाल दिया है, फिर से सुशील रंजन इस खिलाड़ी के पास यहाँ पर गेंद पोजीशन बहुत ज्यादा बना है, छैला के लिए गेंद को बढ़ा दिया गया है, फिर से एक बार छैला सोरेन रिकवरी कर दिया है यहाँ पीछे की ओर सुशील रंजन फिर से गोलकीपर के दिशा में, लेकिन बराबर मौका नहीं मिला है और अटैकिंग लाइन के खिलाड़ी आज दोनों तरफ से कहीं ना कहीं शॉट उस तरीके के लगा नहीं पा रहे हैं और जिस गोल का जो उम्मीद कर रहे थे ऑडियंस कहीं ना कहीं उस तरीके की गोल नहीं हुई है, और जैसे कि यहाँ पर गोल्डन गूस के रेस में 2023 के सत्र में गोविंदपुर की ग्राउंड की अगर जो रिकॉर्ड रहा है सबसे टॉप में जा रहे हैं बिमल मरांडी, सरहद शिकार की तरफ से 3 गोल लगा है और जो है महारो दुमका की तरफ से एक खिलाड़ी 2 गोल लगा है, वो खिलाड़ी हैं टिंकू है 7 नंबर महारो दुमका की तरफ से, ये दोनों टॉप में जा रहे हैं और फिर से यहाँ पर हवा में गेंद को लहरा दिया है और ऐसे में फिर से मुझे लगता है वहां पर फोर शॉट का मौका सोरेन सिपाही की तरफ से, सोरेन सिपाही सुनिया और इंजीनियर कॉलेज दुमका सुनिया, सुन सुन के मुकाबले पर किसी तरीके की यहां पर कामयाबी दोनों ही टीम को मिली नहीं है, यहां पर कौन सी टीम जीत अभियान को जारी रख पाएगी, टॉप 4 में कौन सी खिलाड़ी क्वालिफाई कर पाएगी, फिर से बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी इस समय राकेश सोरेन, राकेश नहीं है माफ कीजिएगा चंद्रिका था, फिर से 15 नंबर बबलू का अच्छा पास वहां पर सोरेन सिपाही की तरफ से
और काफी देर तक मुझे तो लगता है वहां पर जब तक आप स्कोर में कन्वर्ट करते हैं नहीं करते हैं आपको वन टच में खेलने की दरकार है और कहीं ना कहीं ज़्यादा देर तक गेंद को रखेंगे तो टीम विपक्षी खिलाड़ी की जो खिलाड़ी हैं वो आपको निश्चित रूप से आपको रोक के रखेंगे और यहां से दो खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। यहां से मौका बन सकता है तीन नंबर का वहां पर शॉट पाया था इस तरीके से बहुत ही खतरनाक मौका जितनी तारीफ की जाए कम होगा। सोनालाल गोलकीपर गोल होते होते रह गया और किस्मत के धनी साबित हो रहे हैं यहां पर सोरेन सिपाही की टीम। राजेंद्र क्या कहने चाहेंगे? बिल्कुल किस्मत के धनी है सोरेन सिपाही की टीम और बहुत अच्छा मौका था यहाँ पर अपने आप को स्कोर में लाखड़ा करने के लिए। जेई कॉलेज धूप का बहरहाल बराबरी की पोजीशन पर चलता हुआ दोनों ही टीम का स्कोर एक अच्छा मौका मिला था लेकिन मौका को गवा बैठे हैं। पुनः एक बार 16 नंबर की जर्सी पर राइट आउट साइड बनाने की मूड में सोरेन सिपाही के खिलाड़ी पुनः एक बार सुशील रंजन के कब्जे में फिर जोर कोशिश 11 नंबर की जर्सी पर और इसी बीच रॉन्ग टैकल परिणाम फ्री किक का मौका होगा यहाँ पर। यहाँ हमारे निर्णायक महोदय सुनील तुरी जी का अच्छा डिसीजन एक अच्छा मौका मिल सकता है। इस मौके को किस नाम से नवाजना चाहेंगे देखना ये होगा। जब तक शॉट न लिया जाए कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा और यहाँ पर किक लेने के लिए तैयार सही प्लेस पर सही पॉइंट पर सही बिंदु पर बॉल को रखते हुए श्रीकांत सोरेन जी और श्रीकांत और छैला यहाँ पर नजरें जमाते हुए निशाना साधते हुए कि कैसा शॉट लिया जाए कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं कि कैसा रणनीति कैसा शॉट लिया जाए तो अपने टीम के लिए अपने आप के लिए बेहतर हो सकता है। इसी अंदाज में छैला ठीक लेने के लिए तैयार छोटा सा रन अप लेकर और ये छैला का स्पिन होता हुआ शॉट और ये बहुत अच्छा शॉट था क्या कुछ कर पाते या नहीं और ये निश्चित रूप से छैला का ये सफलता और कौन से खिलाड़ी गोल किया कृपया अपना जर्सी नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऑन टारगेट गोल जिस तरीके से यहाँ पर छैला सोरेन ने शॉट लगाया था सेकेंड बार तो रोक लिया था लेकिन दूसरी बार में फर्स्ट बार तो रोक लिया था लेकिन सेकेंड बार में यहाँ पर ऑन टारगेट गोल कोटा श्रीकांत सोरेन सिपाही टीम एक जीरो की बढ़त और शशांक जर्सी वाले टीम एक जीरो के तायम इंजीनियर कॉलेज दुमका। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब यहाँ पर काफी रोमांचक हो गया है और मुझे लगता है इंग्लिश यहाँ पर इंजीनियर कॉलेज दुमका घायल शेर की तरह अब यहाँ पर मुकाबला खेलेगी और उनके पास भी अनुभव है गति है और जिस अनुपात के साथ अभी भी लगातार यहाँ पर सोरेन सिपाही के ऊपर में जो अटैक बनाया है एक खिलाड़ी को वहाँ पर येलो कार्ड दिखाया गया है और वहां पर फिर से 20 डिग्री के एंगल से वहां शॉट लेने का मौका सुशील रंजन के द्वारा वहां पर शॉट लगाया जाएगा। अनुभव की कोई कमी नहीं है इस खिलाड़ी में और बहुत ही बेहतरीन शॉट बॉक्स के अंदर में गेंद को लैंडिंग करते हुए यहां से दूसरी को लगाने का एक सुनहरा चांस इस तरीके से फिर से यहां पर ऑन टारगेट गोल से दिया था नंबर मांगे नंबर दिया चले उड़ेगी श्रीकांत सोरेन के अरहई गोल करा और बढ़िया खिलाड़ी पूरा बाहर बैठे गोल करा टिंकू और श्रीकांत महारो दुमका तरफ से कोई टिंकू बार होने गोल करा जबकि श्रीकांत बार होने गोल करा विमान मरांडी सरहद सिकर तरफ से कोई पेपे होने गोल करा वो अपना टॉप रिकॉर्ड कृषि क्लब गोविंदपुर रिया फुटबॉल ग्राउंड रिया रिकॉर्ड शशांक जन जर्सी वाले टीम दादर दाप कल हाथी दिना क्रम टू जर्सी नंबर 11 का मौका भेकना लेकिन पास दिया उना को नखा कोई डायरेक्ट दादर दाप कते शॉट दिखाई गोल पर दिशा रे तो मौका बनाओ को वापसी को हटाओ रिया लेकिन सुनाला आदि गिरर का हड़ुक किया और आया टीम ने की संभावना था ना पूरी तक दे जावे ना और इस लंबे सिटी के साथ फुल टाइम सिटी।